दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की देसी रसोई। आज हम सिंघाड़े के आटे के लड्डू बनाने जा रहे हैं, जो कि हम व्रत में खा सकते हैं। और व्रत में इसे बनाना बहुत ही इजी है और 10 से 15 मिनट में हमारे ये लड्डू रेडी हो जाते हैं। व्रत में ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है और इसे खाने पर काफ़ी देर तक पेट भी भरा रहता है, जिसके लिए हमने एक बाउल सिंघाड़े का आटा लिया है। लगभग 100 ग्राम के आसपास हमने सिंघाड़े का आटा लिया है। कढ़ाई में हम 1 से 2 चम्मच छोटी चम्मच घी डालेंगे। लड्डू में हम एक साथ इसमें घी नहीं डालते हैं और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसके अंदर हम सिंघाड़े का आटे को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है आटे को और फ्लेम को लो रखना है, क्योंकि ये आटा बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही चिकना होता है, इसीलिए हमने इसमें एक साथ घी नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर घी डालेंगे और इसके बनाते दौरान इसे हम फ्लेम को लो रखेंगे। हम सिंघाड़े का आटे को लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसके अंदर घी ऐड करना है। आटे को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं लगभग। जो ये आटा है ये काफ़ी जल्दी रेडी हो जाता है, काफ़ी जल्दी इसका लड्डू बना सकते हैं हम, क्योंकि इसे भूनने में बहुत कम टाइम लगता है। जो ये हम लड्डू सिंघाड़े के बनाते हैं ये एनर्जी से भरपूर होते हैं। हल्की हल्की इसमें प्रेगनेंस भी आने लगी है। थोड़ा सा घी हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे। अगर हम इसमें एक साथ ही घी ऐड कर देंगे तो ये दरदरा सा गट्ठे से बन जाएंगे इसमें, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही घी को ऐड करेंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। जैसे जैसे हमने इसके अंदर घी डाल डाल के इसे भूना है, उससे इसके खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। रात्रि व्रत के लिए हम इसे पहले से बनाकर रख सकते हैं और 9 दिन तक खा सकते हैं। 15 दिन तक हम इन लड्डुओं को स्टोर करके रख सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए कलर भी इसमें कितना परफेक्ट आया है। अब हम इसके अंदर 1/2 बाउल पिसी हुई चीनी डालेंगे। 2 ग्राम के आसपास हमने आटा लिया था, 50 से 60 ग्राम हमने पिसी हुई चीनी ली है। फ्लेम से हमने कढ़ाई को उतार लिया है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसके अंदर क्रश किया हुआ बादाम डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे, ताकि जब हम इसके लड्डू बनाएं तो लड्डू हमारे अच्छे से बन जाएं। घी इसके अंदर जाएगा तो लड्डू हमारे अच्छे से बंध पाएंगे। इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। देखा, घी हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर घी डालेंगे कि हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएं। अगर आपको घी कम लगे, लड्डू नहीं बंधे, तो आप थोड़ा सा घी और भी डाल सकते हो। इस तरह से इसे दोनों हथेलियों से उंगलियों से दबाते हुए लड्डू को बांध लेंगे। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। फलाहारी व्रत में आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। लड्डू का साइज जो आप बनाना पसंद करते हो वही बना सकते हो। लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।